सीतापुर में वर्दीधारी बदमाशों ने इलाके में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घर वाले पुलिस समझकर बदमाशों को अंदर दाखिल होने देते हैं, लेकिन हकीकत पता चलते ही उनके घर का सारा सामान लेकर वो रफू चक्कर हो गए। बीती रात आधा दर्जन वर्दीधारी बदमाशों ने एक घर और एक दुकान को अपना निशाना बनाया और नकदी समेत करीब 2 लाख की कीमत का सामान लूट ले गए। दुकान स्वामी द्वारा विरोध करने पर बंधक बनाकर पिटाई भी की गई तथा दोनों घटनाओं में पीड़ितों ने पुलिस की तहरीर दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला सकरन थाना इलाके का है। यहां के कस्बा निवासी लल्ला राम पुत्र रामनाथ भार्गव बीती रात परिवार समेत अपने घर में सोए हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे दरवाजे पर आहट हुई और आवाज सुनकर उठे लल्ला राम ने दरवाजा खोला तो बाहर 5 आदमी खड़े थे, जिनमें 2 लोगों ने खाकी वर्दी पहन रखी थी। वर्दीधारी ने कहा कि हम पुलिस वाले हैं और तुम्हारे घर में अवैध असलाह है, हमें घर की तलाशी लेनी है। इतना कहते हुए घर के भीतर 2 लोग घुसकर लल्ला राम और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर असलहे की नोक पर रोके रहे तथा वर्दीधारी बदमाशों ने लूट कर बाहर से कुंडी बंद कर मौके से फरार हो गए। नाम आपका? लल्ला। आपके यहाँ क्या हुआ है? मेरे साथ 1 बजे 1 बजे रात में क्या किसी को देखा है? नहीं देखा तो सबको साहब, उनका चेहरा नहीं देखा। पुलिस की वर्दी में रहे और धमकी दिया कि तुम्हारे घर पे असलहा है तो हम कहें साहब तलाशी ले लो, सूचना मिली है तुम्हारे घर पे असलहा है तो हम कहें ढूंढ लो साहब। तो ढूंढ के यहाँ सब सामान जबता रहे जेवर तेवर और सब दाम पैसा रखा कर ले। जब बाहर निकल के यहाँ चले तो हम कहें साहब जो कहाँ सामान ले रहे तो कहें सब साले होली में निकल के बाहर चले तो हम गांव में हल्ला लगाया और गांव के गए तो गन्ना में फैल गए। अच्छा गन्ना में फैल गए। अच्छा ये चोरी कितने बजे रात में हुई? लगभग 1 बजे रात। 1 बजे रात में कितने लोग थे? 5 लोग। पुलिस की वर्दी में कितने लोग थे? पुलिस की वर्दी में 2 लोग पुलिस की वर्दी में। अच्छा आपके पिताजी का क्या नाम? रामनाथ। रहने वाले प्रॉपर कस्बा सकरन के हो? सकरन। अच्छा थाना कौन सा है? सकरन। घटना के बाद दोपहर तक पुलिस मामले को छुपाती रही, लेकिन पीड़ितों के बयान के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसओ मुकेश कुमार का कहना है कि घटना की तहरीर मिली है और मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट। और जब बकसिया जाऊं है या?